हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। इनऑर्गेनिक ग्राफाइट एक्चुअली क्या होता है? ग्राफाइट तो आप सभी लोगों को पता है कि एक्चुअल में कार्बन है। कार्बन एक्चुअल में क्या होता है, नेचर में बहुत सारे रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से सबसे स्टेबल रूप होता है ग्राफाइट। इनऑर्गेनिक ग्राफाइट क्या है? इनऑर्गेनिक ग्राफाइट है बोरोन का एक कंपाउंड जिसका नाम है बोरोन नाइट्राइड। बोरोन नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्राफाइट कहा जाता है, BN। बोरोन को जब नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है तो इससे बोरोन नाइट्राइड बनता है। इस बोरोन नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्राफाइट कहा जाता है। ये एक्चुअली एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है। फॉर्मूला, हालांकि इसका फॉर्मूला BN है, एक्चुअल फॉर्मूला BNX होना चाहिए था, क्योंकि ये एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है। BNX मतलब इसमें एक्स नंबर ऑफ बी और एक्स नंबर ऑफ एन होना चाहिए था, लेकिन इसको सिंपली BN कहा जाता है, बोरोन नाइट्राइड। ये एक सॉलिड कंपाउंड है और जो ओरिजिनल में ग्राफाइट होता है, नेचर में उस ग्राफाइट की तरह ही बोरोन नाइट्राइड काम करता है। मतलब ये भी एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है, इसका स्ट्रक्चर एवरीथिंग ग्राफाइट की तरह है, इसीलिए बोरोन नाइट्राइड या BN को इनऑर्गेनिक ग्राफाइट कहा जाता है। इनऑर्गेनिक ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल में ग्राफाइट होता है, ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग पेंसिल में यूज करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट डिफरेंट डिफरेंट मशीन में यूज करते हैं, वो जो ग्राफाइट है, ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है। ये एक्चुअली हेक्सागोनल है और हर पॉइंट पर कार्बन प्रेजेंट होता है, ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इनऑर्गेनिक ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको बोरोन नाइट्राइड कहा जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर ग्राफाइट के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। एक हेक्सागोन अगर हम डिजाइन करेंगे, ऑल्टरनेटिवली बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, ये सिंपली एक हेक्सागोन है। अब ये एज ए ग्राफाइट ये भी एक्सटेंड होता है, यहां पर नाइट्रोजन डालेंगे, यहां पर बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन। तो स्टूडेंट ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, तो इससे क्या होता है, जो ओरिजिनल ग्राफाइट है उसी का स्ट्रक्चर को ये कॉपी करता है, और ये एक्चुअली नॉन एंडिंग स्ट्रक्चर है। मतलब ये कभी कभी भी खत्म ना होने वाला स्ट्रक्चर होता है और ये कंटिन्यूसली बनता रहता है। ओके, तो इससे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो हमारा इनऑर्गेनिक ग्राफाइट है और जो ओरिजिनल ग्राफाइट है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। बस फर्क इतना है कि यहां पर हर एंगल पर, हर पॉइंट पर कार्बन होता है, और यहां पर एक हेक्सागोन में अल्टरनेटिवली बोरोन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर हम एक एक रिंग को पकड़कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो एक रिंग में 6 कार्बन है। एक रिंग में, क्योंकि हेक्सागोन है, एक रिंग में अगर 6 कार्बन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा बनता है 36, क्योंकि कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होता है। और अगर इनऑर्गेनिक ग्राफाइट में हम लोग देखेंगे तो एक रिंग पर 3 नाइट्रोजन है और 3 बोरोन है, एक बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 बोरोन है मतलब 5 इंटू 3, और एक रिंग में 3 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक रिंग में 3 बोरोन 3 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 इंटू 3, और एक बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 5 इंटू 3, और एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो 7 इंटू 3। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पर भी 36 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो एक रिंग पर टोटल 36 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और यहां ग्राफाइट में भी 36 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ये दोनों का सेम है, इसीलिए बोरोन नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्राफाइट कहा जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि ग्राफाइट का जो नेचर है, ग्राफाइट सॉलिड होता है, स्लिपरी मतलब लुब्रिकेंट, एज ए लुब्रिकेंट वर्क करता है, तो ये भी बोरोन नाइट्राइड भी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, और ये भी बहुत हैवी लुब्रिकेंट होता है। इसी के चलते इस कंपाउंड को इनऑर्गेनिक ग्राफाइट कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर तो हम देख रहे हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस यहां पर 6 के 6 कार्बन है, यहां पर एवरी ऑल्टरनेटिव पोजिशन पर एक बोरोन एक नाइट्रोजन, एक बोरोन एक नाइट्रोजन।